सर जब तुम भी फील्ड का हक कटेगा तो नुकसान क्या होगा उसमें हमारा? उसमें हमें चोट तो लगेगी, चोट लगने के साथ साथ हमारा क्या होता है, रक्त बहेगा। रक्त बहने से क्या होता है, जीवन को खतरा या उसकी गिरते हुए स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान होने का संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना है, उसके बहते हुए रक्त को सर्वप्रथम रोकना है। रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, द्वाब बिंदु होते हैं। उन द्वाब बिंदु का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर उंगली पर चोट लग रही है तो डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट से उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर चोट जो है वो ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना बंद लेंगे, इसको रिस्ट प्रेशर पॉइंट बोलते हैं। इसके आते ही जो ब्लड है वो कम फ्लो करना शुरू करेगा। अगर फिर भी आपके पास बाधा बढ़ रहा है इसको हार्ट लेवल से ऊपर उठा दें। हार्ट लेवल से ऊपर उठने से ब्लड को ऊपर जाने में जोर लगेगा और उसकी सप्लाई कम जाएगी और कम बहेगा। दूसरी स्थिति के अंदर अगर चोट इससे ऊपर की है तो यहाँ पे हमारा ब्रैकियल प्रेशर पॉइंट होता है। ये ब्रैकियल प्रेशर पॉइंट दबाने से भी हमारी ब्लड की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और रक्त कम जाएगा, जिससे कि हम मरीज के जान बचाने में और उसके रक्त बहते हुए रक्त को रोकने में मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर चोट इससे ऊपर की है और नीचे की है तो कॉलर के नीचे क्या होता है, हमारा कॉलर बोन होती है, चाहे कॉलर के नीचे होती है, यहाँ पर रक्त के दबाने से यहाँ की सप्लाई सारी डिस्टर्ब हो जाती है। सपोज करो चोट जो है अंग हमारा चेस्ट पे है, जहाँ पर चोट लगी हुई है और चेस्ट से खून बह रहा है, तो ये जो हमारा वोकल कार्ड होता है ना, स्टर्नम बोन का ये वाला सिरा वोकल कार्ड, यहाँ पर हमने डायरेक्ट प्रेशर दबाना है नीचे की तरफ करके, क्योंकि इससे स्लिपरी होती है, लेकिन गले को चोट ना करके बाहर नुकसान ना पहुँचा दे। हमारा हर प्रयास बीच की जान बचाने का है, ना कि उसको नुकसान पहुँचाने का है। तो इससे जो छाती का जो चोट लगी हुई होगी जहाँ से खून बह रहा होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद अगर सपोज करो चोट जो है वो सिर की है तो कान के पास 1 इंच आगे ऊपर जो ये हमारा टेम्पोरल प्रेशर पॉइंट होता है यहाँ पर, अगर आप इसको दबाएंगे तो बहते हुए खून को रोकने में मदद कर पाएंगे हम मरीज की। इस प्रकार से हम उसकी जान बचाने में सक्षम हो गए। चोट जो है अगर लेग की है तो जहाँ हमारी पॉकेट होती है ना, पॉकेट जहाँ पर हमारा थंब जाता है, ये थंब यहाँ पर हमारा प्रेशर पॉइंट होता है। जोर से दबाएंगे तो नीचे की सप्लाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाथ को तो हमने हार्ट लेवल से ऊपर कर दिया था, चोट अगर हमें लग गई है तो क्या इसको भी हम हार्ट लेवल से ऊपर कर देंगे? कर देंगे। कैसे? उसको लिटा देंगे, लिटाने के बाद उसकी लेग्स रेज कर देंगे, जिससे उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा हम तभी करते हैं जब ब्लड प्रेशर के अंदर कोई व्यक्ति क्या जो ब्लड उंगली होता है अगर जल्दी से उठ जाए वो फेंट हो जाता है, तो तभी हम उसका लेग्स जो है ऊपर रेज कर देते हैं। इस प्रकार से हम उसके बहते हुए खून को रोकने में मदद कर देंगे। वैसे तो आपको सबको पता ही है कि खून जो है मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर खून बहने में टाइम लगता है अगर चोट जो है वो छोटी है। लेकिन अगर चोट ज़्यादा बड़ी है तो उसको तुरंत बिना रुके, हमारी हर कार्रवाई कहाँ तक सीमित है, डॉक्टर के आने तक या कैजुअलिटी के डॉक्टर के जाने तक। इस दौरान हमने उसका साथ नहीं छोड़ना और हमने उसके साथ बने रहना है ताकि हम उसकी जीवन को जाने की रक्षा कर सकें। कि व्हाट इज एम्पुटेशन, व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ एम्पुटेशन। अगर शरीर काम कट जाता है तो हम लोग क्या बात करना नहीं चाहते सकते हैं और क्या एम्पुटेशन है क्या बेसिकली वो टॉपिक था। बताएगा कोई आपको एम्पुटेशन क्या है? एम्पुटेशन शरीर काम कट जाता है शरीर काम कट जाए शरीर से अलग कटे या सर शरीर का जो जब अंग कट जाता है सबसे पहले ब्लीडिंग रोकते हैं उसकी जहाँ से कटना, उसके बाद जो कटा हुआ भाग है उसको ना तो धोएंगे ना कुछ करेंगे, उसको उठा करके एक बर्फ का बुरादा बना के प्लास्टिक की थैली में डाल करके ऊपर से रबड़ बैंड लगा देंगे और उसको ले लेंगे। कोई भी अंग यदि कट गया है, मान लो उंगली है, अंगूठा है, अलग हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को तो कंट्रोल करना ही है, इन्फेक्शन से भी बचाना है, पर जो कटा हुआ अंग है वो एज इट इज है, जैसे ये बता रहे थे कि भी एज इट इज उठाना है, क्या मिट्टी लगी है कुछ है, उसको धोना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं खून लगा हुआ है इसको वास कर दो, वास नहीं करना है, फिर किसी पॉलीथीन में लेना है और दूसरी पॉलीथीन में रास्ते में से देख लें, कोई ज़रूरी नहीं कि वही बर्फ़ मिलेगी आपको, आपने वो आंख उठा लिया आगे जा रहे हैं किसी से बर्फ़ मिल जाती है तो दूसरी पॉलीथीन में बर्फ़ डालें और जिसके अंदर अंग कटा हुआ है वो पॉलीथीन उसके अंदर रखें, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए,
उसके अंदर ठंडक रहनी चाहिए और 4 घंटे तक आज सर्जरी करके उसको जोड़ा जा सकता है, जो कि मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने आके करनाल में ये बिल्कुल NDRI के हॉल में बताया था कि इस तरीके से हम बचा सकते हैं उसको, आज जुड़ सकता है अंग कटा हुआ। श्री रमेश कुमार जी यमुना नगर अपने शरीर में रहेंगे। सर मेरा टॉपिक है घूमना, बुरे हुए आदमी का किस तरह